जिला परिषद की शिक्षा एवं स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष गौरव शर्मा ने कर्मचारी नेताओं द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मंत्री राजेश धर्माणी के खिलाफ दिए बयान को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया। नेताओं ने हमारे माननीय यहाँ से जो मंत्री है राजेश धर्माणी जी, उनके बारे में बड़े गलत बयान दिए। तो इस विषय में जब हमने दिखा और सुना, कर्मचारी हम जानते हैं हमारे देश की हड्डी है, चाहे वो गवर्नमेंट वर्क्स हो चाहे इकोनॉमिकल वर्क्स हो, उसमें बड़ा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो कुछ कर्मचारी नेताओं ने ये बात रखी और ये इल्ज़ाम लगाए कि सरकार ने करोड़ों रुपए का जो लाभ लिया अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, वो बातें मैं कहना चाहूँगा कि एकदम झूठ है। धर्माणी जी अपने आप में बहुत ही शालीन, पढ़े लिखे हुए ईमानदार नेता हैं। सारा बिलासपुर जानता है कि वो किस हिसाब से होता है। और नेता जो मंत्री बनता है, वो मंत्री बनाना सरकार के हाथ में होता है, एमएलए बनाना लोगों के हाथ में होता है। जब आदमी का अपना करेक्टर और विज़न क्लियर है, तब जाके वो एमएलए बनता है। तो बिलासपुर के लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा मार्जिन के साथ, वहाँ के लोगों ने उनको जिता कर विधानसभा भेजा था, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको मंत्री बनाया है, और इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। उनकी सोच, माननीय राजेश धर्माणी जी की सोच बिलासपुर में देखी जा रही है, चाहे वो टूरिज्म के लिए हो, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे हॉस्पिटल के क्षेत्र में, वो हम सबके सामने है। रही बात मुख्यमंत्री जी की, उनकी सोच तो पूर्ण भारत देख रहा है। आते ही ओपीएस उन्होंने एम्प्लॉइज़ को दी, और जिसकी देखा देखी में सेंटर की सरकार भी कई जगह मजबूर हो रही है कि उस चीज़ के लिए बात करे। और मैं कहना चाहूँगा जो ये जो मंत्री या जो हमारे कर्मचारी नेता हैं जिन्होंने ये बयानबाजी दी हुई है, वो किसी के अगर दबाव में आकर ये काम कर रहे हैं तो उन्हें भी ये समझना पड़ेगा कि इस समय प्रदेश बहुत ही ज़्यादा मुसीबत की घड़ी से गुजर रहा है, बड़ा ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। तो उनका भी एक, इस प्रदेश के प्रति उनका भी एक जिम्मेवारी बनती है कि इस समय ऐसे मुद्दों को ना उठाकर प्रदेश हित में करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, बिलासपुर।